हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से अलग एक सेगमेंट को जिसको एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। स्वाभाविक है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट अलग नहीं है। मैंने जब पहले ही अपनी क्लास स्टार्ट की थी तभी हमने देख लिया था कि जो हमारे पढ़ने का अप्रोच होगा वो क्या होगा, इंटरलिंक करने का प्रयास के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन छात्रों के विशेष अनुरोध पर और मुझे भी लगा कि जब ज्योग्राफी को हम समझना हमने स्टार्ट कर दिया है तो क्यों ना एनवायरनमेंट को भी हम उसी तरह से एक सिस्टमेटिक वे से समझना स्टार्ट करें। और इसी अप्रोच के कारण मैं आपके सामने एनवायरनमेंट के सेगमेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यह एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है हम स्टार्ट जरूर कर रहे हैं एक बिल्कुल छोटे से पॉइंट से, अर्थात हम पहले ये समझेंगे इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जहां से प्रत्येक किताब स्टार्ट होती है। लेकिन बस इस क्लास का अंतर यह होगा कि आपको यहां पर हो सकता है वो फैक्ट ना मिले जो आपके लूसेंट और ऐसी किताबों में मिल सकते हैं जिनसे आप मुझसे उम्मीद करें। अर्थात मैं ज्योग्राफी के सिर्फ कॉन्सेप्ट में बात करूंगा और जहां भी जरूरत लगेगी यथासंभव जो फैक्ट आपके कॉन्सेप्ट के निर्माण के लिए जरूरी होंगे सिर्फ मैं उस पर बात करूंगा। अर्थात फैक्ट की उम्मीद मुझसे आप कम कीजिएगा। कारण यह है कि एनवायरनमेंट की डेप्थ की इंपॉर्टेंस है, फैक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर फैक्ट की इंपॉर्टेंस होती तो आपसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन गलत नहीं होते और आप यूपीएससी का एग्जाम देख चुके हैं और आप स्टेट पीसीएस का लेवल भी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसको अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि क्या कंडीशन है। अर्थात अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमारा जो अप्रोच होगा वो कॉन्सेप्ट को ही समझेगा। इसमें बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको जो जरूरी फैक्ट होगा वो भी स्किप कर दूंगा। बिना फैक्ट के कॉन्सेप्ट तो बन ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर फोकस नहीं करेंगे। अर्थात हमारी क्लास का जो फोकस होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसके लिए जो भी जरूरी होंगे वो हम फैक्ट जरूर तैयार करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एनवायरमेंट का सेगमेंट। लगभग हो सकता है 30 से 40 वीडियो में ये पूरी क्लास आपके सामने एनवायरमेंट की पहुंचे, तो इसलिए स्टार्ट जब भी आप एनवायरमेंट को पढ़ना कीजिएगा एक तरह से वीडियो को देखिएगा, या एक तरफ से अगर वीडियो नहीं देख रहे कहीं भी पढ़ा है तो एक तरफ से समझने का प्रयास करिएगा। चीजें होती क्या है, जुड़ती चली जाती हैं और हमारा समझने का जो प्रयास होता है वो बेहतर होता चला जाता है और चीजों को हम इंटरलिंक कर पाते हैं। अदरवाइज कहीं से हमने कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया तो उससे क्या होता है, हमारा अप्रोच विकसित नहीं होता। मैं आपके साथ एनवायरमेंट का सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूं ठीक उसी तरह जैसे हमने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था। अब सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वह होता है आपका इकोलॉजी। हम एनवायरमेंट को समझ चुके हैं कि एनवायरमेंट क्या है, हमारी पहली वीडियो आप देख ही चुके हैं, उसमें हमने देखा है कि एनवायरमेंट से तात्पर्य क्या है, एनवायरमेंट कैसे हमको इफेक्ट कर रहा है। यह हमारी एनवायरमेंट की सेकेंड वीडियो है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी को। अब जब इकोलॉजी को है तो स्वाभाविक ही आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आया होगा कि किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेगल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। फिर मैं कह रहा हूं फैक्ट पे हम बात नहीं करेंगे। अब यहां पे ये देखिए, शब्द दरअसल यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिला है, ओइकोस एंड लोगोस। अर्थात जिस शब्द को आप इकोलॉजी कह रहे हैं यह क्या है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ। ओइकोस का अर्थ होता है निवास स्थान, तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात अगर इन दोनों का आप जोड़े एक दूसरे से तो क्या होगा, किसी निवास स्थान का अध्ययन करना ही क्या है, इकोलॉजी है। अर्थात इकोलॉजी क्या है, स्टडी का एक डिसिप्लिन है। अर्थात जो भी व्यक्ति जहां भी रह रहा है उसका उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करना ही क्या है, इकोलॉजी। फिर तुरंत आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न आएगा, अगर इकोलॉजी यह है तो फिर इकोसिस्टम क्या है।
कोशिश करिएगा चीजों को समझते चले जाएं आप, और जहां पे समझ में ना आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा किसी और माध्यम से समझाने का, क्योंकि 2 से 3 क्लास के बाद वीडियो की गहराई क्या होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हो सकता है अगर आपने इसको समझा ना हो तो आपको दिक्कत होने लगे, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप इसको आसानी से अच्छी तरीके से समझ सकें। इकोसिस्टम, जब हमने इकोलॉजी को समझ लिया है तो अब हमको देखना होगा कि इकोसिस्टम क्या है। देखिए इसमें एक शब्द है सिस्टम और दूसरा शब्द है इको। इको से तात्पर्य होता है इकोलॉजी अर्थात पर्यावरण का भाग, और इकोसिस्टम से तात्पर्य है कि कोई भी पर्यावरण है तो इस जो पर्यावरण है इसमें जो भी लोग हैं अर्थात चाहे वो निर्जीव हैं सजीव हैं, एक दूसरे से एक सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। अर्थात पर्यावरण के सभी घटक जिस माध्यम से जिस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं क्रिया कर रहे हैं वही क्या है इकोसिस्टम। अर्थात इकोसिस्टम क्या है, एक क्रियाशील इकाई है, और यह जो क्रियाशील इकाई है दरअसल क्या है कि यह जो पूरा पर्यावरण टिका हुआ है इसमें स्वाभाविक कुछ पादप हैं कुछ जंतु हैं, तो कहीं का तापमान है कहीं का बढ़ता है, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्सियम अनेक तत्व तो क्या हुआ है उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन जो सम्मिलित है एक सिस्टम के रूप में है तो यही क्या है आपका इकोसिस्टम है। अर्थात पर्यावरण पारिस्थितिकी का वह स्वरूप जिस स्वरूप में सभी घटक क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से कार्य कर रहे हैं उसको इकोसिस्टम। एक प्रश्न आपको तुरंत जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है यह आपकी जिज्ञासा का बन गया होगा घटक से तात्पर्य क्या है, अभी आपको और समझ में आ जाएगा जब आप घटक को समझ लें। एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, जैसे यह कोई स्थान है कोई तालाब है कुछ भी, स्वाभाविक है जो यह स्थान है इसमें क्या होंगे कुछ पेड़ पौधे होंगे कुछ जंतु होंगे, तो कुछ यहां का क्या होगा कोई तापमान होगा, यहां पे क्या होगा जल होगा, तो यहां पे क्या होगा एनपीके का कुछ रेशियो हो सकता है, अर्थात अनेक तत्व हो सकते हैं और यही सब क्या है घटक, और ये घटक किसके हैं यह है पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थात इकोसिस्टम के। यह शब्द है तंत्र अर्थात सिस्टम, अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र है दरअसल तंत्र से तात्पर्य यह है कि सभी घटक क्या कर रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं प्रभावित भी कर रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं, जैसा हमने किसको समझा था पर्यावरण को समझा था। अर्थात यह जो घटक है इन घटकों के तंत्र को क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। इन घटकों को 2 रूप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है जैविक घटक दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक से तात्पर्य उस उन घटकों से है जिसमें क्या है जीव, अर्थात जो क्रियाशील है जिनमें क्या होता है भोजन प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं एनर्जी लेते हैं। अजैविक घटक से तात्पर्य उन घटकों से है जो क्या करते हैं निर्जीव है जिनमें जीव नहीं है। आप इसको अजैविक और जैविक को अच्छी तरीके से अभी तक क्या है पढ़ते हैं। अब इन्हीं में से जैसे ले लीजिए, जैसे इसमें क्या है जी पौधे आ जाएंगे सभी, दूसरे सभी जंतु आ जाएंगे, ये क्या है जैविक घटक के उदाहरण। तो दूसरे तरफ कहीं का तापमान तो कहीं वर्षा तो कहीं पर आर्द्रता का स्तर
कहीं पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एनपीके, ये सब क्या है, अजैविक घटक के उदाहरण। अर्थात यह सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग बिल्कुल नहीं है, और ये जो जुड़े हुए हैं एक सिस्टम के रूप में जुड़े हुए हैं, और इसी सिस्टम से जुड़कर जो सिस्टम बना है उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। स्वाभाविक है जब इकोसिस्टम है तो हर पूरे सभी जगह का इकोसिस्टम एक जैसा नहीं होगा। अगर यह बहुत बड़ा क्षेत्र है तो हो सकता है इसमें कई इकोसिस्टम हो, सकता है ये सभी इकोसिस्टम एक रूप में जुड़े हुए हैं। अर्थात जैसे जैसे आपने देखा है क्या होता है, क्लाइमेट बदलता है, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, घटक बदलते जाते हैं। जैसे आप एक कल्पना करिए मरुस्थल का, और एक कल्पना करिए उन क्षेत्रों का जहां पर हमेशा क्या होती, वर्षा होती। दोनों के स्वरूप में अंतर है, क्यों अंतर है, क्योंकि उनके घटकों में अंतर है, उन घटकों के द्वारा ही क्या बना था, एक इकोसिस्टम बना था, उस इकोसिस्टम के स्वरूप में भी क्या होगा, अंतर दिखाई। अब थोड़ा इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये जो जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक, ये तो हमने बहुत बड़ा डिवाइडेशन कर लिया है। अर्थात अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें पौधों की क्या भूमिका होती है, जंतुओं की क्या भूमिका होती है, कैसे हमारा इकोसिस्टम काम करता है, कैसे एक एनर्जी का फ्लो होता है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, जो आपने अभी तक ज्योग्राफी समझा है उसी को अप्लाई करना है। अर्थात इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी ज्योग्राफी से क्या करना, अलग नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो ज्योग्राफी की समझ विकसित की है, अगर उससे आप इसको जोड़ते चले जाते हैं तो इन्वायरमेंट उतना ही आसान होता जाएगा। अगर उसको अलग करते हैं तो ज्योग्राफी भी अलग हो जाएगी, इन्वायरमेंट भी अलग हो जाएगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट तो फिर समझने से अलग है, फिर क्या होगा, आपको आपको रटना होगा। अब आपने ये देख लिया है कि आपको पता चल गया कि कुछ जैविक घटक हैं, कुछ अजैविक घटक। अब जैविक घटक में भी आपको पता चला कि पौधे होते हैं और जंतु होते हैं। ये जो पौधे होते हैं इनको बोला जाता है उत्पादक, और ये जंतु होते हैं इनको बोला जाता है पर्यावरण के भाषा में उपभोक्ता। प्रश्न यह है कि पौधे उत्पादक कैसे हो गए? उत्पादक से तात्पर्य यह है यहां अपने लिए भोजन का निर्माण क्या करते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात जो पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, अर्थात वह खुद उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है, इनको उत्पादक बोला जाता है। और ये जंतु क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर है, इसी कारण क्या बोला जाता है, इनको उपभोक्ता बोला जाता है। फिर प्रश्न यह आएगा कि उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये जो उत्पादक है इस यही उत्पादक क्या कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी को फ्लो दे रहा है। अर्थात जितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमारी गतिविधियों का केंद्र है, जो भी हम कर पा रहे हैं उसकी एनर्जी का स्रोत कहा क्या है, ये है उत्पादक पौधे। कैसे, उसी को समझते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं इनको कई श्रेणियों में बना, जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को बोला जाता है शाकाहारी। आपको अच्छी तरह पता है शाकाहारी किसको कहते हैं, शाकाहारी से तात्पर्य है कि उत्पादक के द्वारा जो भी निर्माण किया गया है उसे डायरेक्ट प्राप्त करने वाले क्या होते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी में कौन कौन आ जाएगा, जैसे खरगोश है, हिरण है, गाय है, टिड्डा है, क्या हो जाते हैं, शाकाहारी होते हैं। अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, उत्पादक से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वह शाकाहारी हैं। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय
द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वह है, इनको बोला जाता है मांसाहारी, और मांसाहारी वह है जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है, शाकाहारी पर। जैसे शाकाहारी का एक उदाहरण ले लेते हैं हम, टिड्डा। और टिड्डा क्या है, एक शाकाहारी है, और एक मांसाहारी को ले लेते हैं, टिड्डा को खाने वाला कौन होता है, मेंढक। अब ये हो गया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये हो गया मांसाहारी। फिर आता है आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता वह है जो इस मांसाहारी के ऊपर क्या है, निर्भर है, और मेंढक को कौन खाता है, सांप। अर्थात सांप किसमें आता है, यह आता है आपके तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में। अर्थात उपभोक्ता में कौन से, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और एक और डिवाइडेशन है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, वह है उच्च मांसाहारी। यह ए हो गया, यह बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। उच्च मांसाहारी से तात्पर्य उनसे है जो किसी और का भोजन नहीं होते, अर्थात वह खुद मरते हैं, उनको कोई खा नहीं सकता, यह उच्च मांसाहारी। जैसे शेर, चीता, बाघ, इनको क्या हो, कोई इनका भोजन तो करता नहीं है, इसीलिए क्या माने जाते हैं, उच्च मांसाहारी। अर्थात अब यह देखिए, यह जो उत्पादक थे, इनसे ही जो शाकाहारियों ने, अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ने जो प्राप्त किया, उसी को क्या कर रहा है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता प्राप्त कर रहा है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता अपना भोजन किसको, अपने जो भी उसने भोजन लिया है वो आहार किसका बन रहा है, वह तृतीय श्रेणी का बन रहा है, और तृतीय श्रेणी उच्च मांसाहारी का भोजन बन रहा है। अर्थात ये क्या हो रहा है, एक चक्र चल रहा है, और यही जो चक्र है दरअसल क्या हो रहा है, एक एनर्जी का फ्लो दिखा रहा है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, उत्पादक अर्थात पौधों से। अर्थात अब आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझना है कि एनर्जी का फ्लो पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे होता है, इसकी को इसी डायग्राम को एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं। अर्थात आपने अभी तक यह देखा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी दिखाई दे रही है, पौधों की। अर्थात कहीं का भी इकोसिस्टम है तो वह इकोसिस्टम तभी तक स्थायी है जब तक उसका क्या है, उत्पादक वर्ग स्थित है। अर्थात वह क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। अगर यह प्रोडक्शन कम कर दे या बंद कर दे तो क्या होगा, ये जिस पर निर्भर सभी उपभोक्ता, स्वाभाविक उपभोक्ता क्या करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर हैं, तो क्या होगा, इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। और जब इनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा तो फिर इकोसिस्टम बचा ही कहां, क्योंकि उत्पादक पहले खत्म हो गए हैं और उपभोक्ता है नहीं, तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में क्या होगा कि पारिस्थितिकी के नाम पर ऐसी कंडीशन होगी कि गिने चुने पेड़ पौधे मिलेंगे और कुछ ही जीव जंतु रह जाएंगे। इन्हीं सबसे जुड़ के बनता है आपका एक कॉन्सेप्ट बायोडायवर्सिटी का, हम उसको आगे समझेंगे, अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं एनर्जी का जो फ्लो है वह कैसे होता है। और ये जो एनर्जी का फ्लो है दरअसल ऐसे जिसको आपने समझ लिया है, इसी को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके हम समझते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी का फ्लो दरअसल हो क्या रहा है, सूर्य से विकिरण ऊर्जा आती है, और यह विकिरण ऊर्जा क्या होती है, पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। पौधों द्वारा ग्रहण करके क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से
सरल शर्करा का निर्माण किया जाता है। ये आपने अच्छा तरह समझ लिया होगा कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। हम इंटर की क्लास में, ट्वेल्थ की क्लास में हम लोगों ने क्या होगा इसको समझा होगा कि हमारे पास क्या होगा, सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण की ऊर्जा के रूप में आ रही है, पौधे क्या करते हैं उसको ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सरल शर्करा का निर्माण करते हैं। शर्करा से तात्पर्य ग्लूकोज का एक टाइप। और क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ द्वारा मृदा से क्या लेते हैं, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, अब जो ये खनिज पदार्थ ले लिए हैं, सरल शर्करा का निर्माण पहले कर चुके, अर्थात उन्होंने क्या किया, विकिरण ऊर्जा को लिया, उसको प्रकाश संश्लेषण किया, उसके माध्यम से ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज में अब उन्होंने क्या मिक्स कर दिया, खनिज पदार्थ जो अपने जड़ से ले रहे हैं। अब ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। और इन दोनों के मिक्स होने से क्या बनता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। दरअसल ये वही जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसको क्या करते हैं आप, भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इसी जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें हुआ क्या है, पहले सरल शर्करा का निर्माण होता है, खनिज लवण मिलने से उसमें क्या होता है, मिनरल्स मिलने से उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। और इसी जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता प्राप्त करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इससे प्राप्त करता है, और फिर क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता इससे प्राप्त करता है, और फिर उच्च मांसाहारी आता है। अर्थात अभी आपने जो प्रोसेस समझा था वह प्रोसेस इस रूप में भी है। अब आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि आप कहां पर हैं, अर्थात आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, किस कैटेगरी में आएंगे, यह आपके ऊपर। इसमें एक चीज देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि पौधों के द्वारा, पौधों ने लिया अपना भोजन कुछ बनाया, उस भोजन को फिर क्या शाकाहारी प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता है, यह सब क्या है, उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी का, फिर द्वितीय श्रेणी का, फिर तृतीय, फिर उच्च मांसा। इसमें क्या हो रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और वो ऊर्जा का केंद्र कहां था, ये आपका पौधा। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका, किसका। एक चीज और समझ लीजिए, यह है 10% का नियम। 10% का नियम यह है कि जितने आपने जैसे देखे, जो एक उत्पादक था पौधा, फिर प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय, फिर चौथ, यह क्या है, दरअसल एक पोषण तल के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात पहला पोषण तल हुआ उत्पादक, द्वितीय पोषण तल हुआ प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, जिसको आप क्या कह रहे हैं, शाकाहारी, तो उसके बाद मांसाहारी। अर्थात यह क्या है, एक पोषण तल है, और यह पोषण तल है, ये बताता है 10% का नियम, एक पोषण तल से दूसरे पोषण तल में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वह 10% होगा, और 90% क्या हो जाएगा, जैविक क्रिया में खर्च हो जाएगा। अर्थात अगर क्या हुआ, शाकाहारी ने पौधे से 100 ग्राम एनर्जी प्राप्त की, तो वह जो शाकाहारी है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या करेगा, इसका भक्षण करेगा, अर्थात शाकाहारी को खाएगा, तो उसको कितना मिलेगा, 10 ग्राम भोजन ही मिलेगा। यही क्या है, 10% का नियम है। अर्थात ये 10% का नियम यह बता रहा है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वह क्या होता है, उसका अधिकांश भाग जैविक क्रिया में ही खर्च हो जाता है। जैसे मान लीजिए खरगोश है, खरगोश ने जितना घास को खाया उसका 90% जो एनर्जी है वो क्या करेगा, वह अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर देगा। और खरगोश को कोई खाता है तो उसने जितना कंजप्शन किया था उसका 10% एनर्जी उसको क्या मिलेगी, मिलेगी। यही 10% का नियम है, और यही 10% का जो नियम है ये क्या कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक चक्र को चला रहा है, वही क्या है, ऊर्जा का प्रवाह।
इस ऊर्जा के प्रवाह में आपने देखा कि पौधों की भूमिका क्या है, सर्वाधिक है, और पौधों की भूमिका सर्वाधिक होने का ही है कि कहीं का पारिस्थितिक तंत्र किस रूप में सक्रिय है, किस रूप में है, कितना स्थायी है, किस पर निर्भर करता है, वहां पौधों की संख्या, उनकी प्रकृति और उनको प्राप्त होने वाले पर्यावरण। अगर पौधों को प्राप्त होने वाला पर्यावरण अच्छा है, पौधों की संख्या ज्यादा है, तो स्वाभाविक है उसके ऊपर जो भी पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है वह क्या होगा, व्यवस्थित होगा और सही होगा, और उसमें क्या होगा, बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर हमने ये देख लिया ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक। अब अजैविक घटकों की भूमिका यह है कि जो भी जैविक घटक हैं इस सुचारू रूप से काम करते हैं, इसके लिए क्या जरूरत है, आखिर उनके जो अजैविक घटक हैं उनकी जरूरत। और अभी हम इसको इसमें हमको एक चीज और समझना है, वह है अपघटकों की भूमिका। अभी तक आपने क्या किया है, एनर्जी का फ्लो किया है, एनर्जी का सर्कुलेशन आपने नहीं समझा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एनर्जी का ये जो फ्लो हुआ है, ये फ्लो किस रूप में एक चक्रीय रूप में चलता है, और इसी चक्रीय रूप को हमको समझना है, और इसी से हमको समझना है क्या, फूड चैन को समझना है, फूड वेब को समझना है।